दोस्तों आज की वीडियो में हम रूह अफ़ज़ा से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे, साथ ही रूह अफ़ज़ा किन चीज़ों से मिलकर बना है और इसका सेवन एक दिन में कितना करना चाहिए और रूह अफ़ज़ा का हिंदी अर्थ क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखते रहना। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि रूह अफ़ज़ा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों रूह अफ़ज़ा आपने अवश्य ही पिया होगा, यह रूबी जैसे कलर का होता है और इसमें दूध और पानी का मिश्रण करके तैयार किया जाता है। यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम आदि, जिससे कि हमारे शरीर में खून की कमी पूरी होती है और गर्मी में हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा रखता है। साथ ही पाचन शक्ति को मजबूत रखता है और शरीर और दिमाग को तरोताज़ा रखता है। वहीं अगर इसके नुकसान की बात करी जाए तो इसका अधिक सेवन से उल्टी लग सकती है, मितली की दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज वाले लोग अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार इसे पिएं। और अगर बात करी जाए कि रूह अफ़ज़ा को कैसे और कितना पिएं, तो एक दिन में लगभग 500 ml रूह अफ़ज़ा शरबत को तैयार करें। इसे तैयार करने के लिए 100 ml दूध और 100 ml पानी में 40 ml रूह अफ़ज़ा मिलाकर पिएं। एक बार में ये लगभग 250 ml तैयार हो जाएगा। इसी तरह दिन में दो बार अवश्य पिएं। और अब बात करते हैं कि रूह अफ़ज़ा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो रूह अफ़ज़ा कई प्रकार के फल, सब्जी, फूल, बीज, जड़ी बूटियों के अर्क तथा मसालों से बनाया जाता है। और आखिर में जान लेते हैं कि रूह अफ़ज़ा का हिंदी अर्थ क्या होता है। दोस्तों रूह अफ़ज़ा का हिंदी अर्थ होता है रूह मतलब आत्मा, अफ़ज़ा मतलब अमृत, यानी आत्मा के लिए अमृत। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।